बहुत जल्दी उठ गए हम लोग तो 7 बजे, आइए 7 बज गए और हम लोग बस निकल रहे हैं नारायण स्कर्दू के लिए। हम नारायण से फिलहाल स्कर्दू के लिए निकल रहे हैं और इधर बारिश हो रही है बहुत ही हसीन और ठंड भी हो रही है। तो अभी हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए मून रेस्टोरेंट पे, जिसके बोर्ड तो पता नहीं कहाँ से शुरू होते हैं और फिर इतनी दूर जाके मिलता है ना ये। खैर मून रेस्टोरेंट आखिर मिल ही गया। अब हम यहाँ से नाश्ता करेंगे, फिर हम बाबू सर टॉप से होते हुए जाएंगे स्कर्दू। और हमने कपड़े भी प्रेस नहीं किए, सब इतनी जल्दी में निकले थे। आ जाओ। सब ने कुछ ना कुछ पहना हुआ है, सिर्फ मेरा बेचारा भाई जो है ना वो वैसे ही बैठा है और किसी को उसका ख्याल नहीं है। मैं बारिश में आई हूँ अपने, ओहो मेरा भाई तो मेरे साथ ही आ गया, उसको पता ना चल जाए मैं उसको सरप्राइज करने लगी। आज ना मेरे भाई का सिर्फ मुझे था ये जैकेट लेके जा रही हूँ मैं भाई। मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई नाश्ता नहीं करना, हमने निहारी और 2 अंडे मंगवाए क्योंकि ठंड बहुत है यार। आ हा 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 हा, जो हमने नाश्ता किया आ हा हा, बेहतरीन अभी तक का सबसे अच्छा खाना हमने यहाँ से खाया है। हालांकि मैंने हरी नहीं खाती इतने शौक से, लेकिन मैंने बकायदा ऐसे अच्छे तरीके से खाई है पेट भर के, बहुत अच्छा था यार। अगर कोई यहाँ पे आया ना तो यहीं से नाश्ता करना, खाना भी अच्छा होगा। हमने लास्ट टाइम खाना भी खाया था वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। बताओ कौन कौन से खाएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और क्या? ये हमने से नहीं हो सकती। सही बताया इसने लड़की। वाह हिजाब प्रिंस, पहले कहाँ थी यार? इसे निकाल दो खानदान से, आग कर। आपको आग कर दिया मैंने इतनी जनरल नॉलेज होने पे, क्योंकि जब हमारे पास नहीं इसके पास कहाँ से आई, हम भी तो उसी स्कूल में पढ़े थे। हाँ। ये कैसे हो सकता है? यार आप लोग, बारिश हो रही है, सब लोग हम ऐसे देख रहे हैं जिस तरह हम पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्योंकि हम लोग इतना शोर कर रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं। इतना यहाँ पे सुकून था ना जब हम लोग आए थे, हमारे आने से इतना शोर हुआ। रियली सॉरी, सिर्फ इसलिए कि हम बैठे थे पिंक पे, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, स्विंग, वो हमारी होती है बिल्ली हमारी, कुछ पेड़े मार रही है यार। वैसे हिजाब फातिमा यार ये क्या कर रही है यार, इसको तो झंडे पता थे यार, मैं जाके सारे झंडे याद करूंगी पूरे कायनात के। ठंडा नहीं है इसमें तो, नहीं हम नहीं मानते, इसमें गलत पानी आ रहा है। ठंडा है अभी, इसको मुंह धो, देखो कैमरा ऑफ होने के बाद देखना कितनी देर रह लोगी। हम फोन कैमरा, हाँ हाँ दिखाएंगे। हाँ हाँ क्या हुआ, क्या हो गया, क्या आ कभी खुशी कभी गम, आओ मेरी हुडी में डाल लो हाथ मेरी बहन प्यारी। पूरे रास्ते मुझे सबने कहा जरनाब तुम पीछे बैठ जाओ, जरनाब ने कहा ना काका ना, लेकिन इसकी वजह से जो है ना मुझे पीछे आना पड़ गया। और मैंने कहा हम दोनों बहनें बैठ जाती हैं, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बैठ गई, वरना मैं इतनी खूबसूरत इतनी आरामदेह सीट छोड़ के आई हूँ। अब हम आगे हैं अताबाद लेक, नहीं लुलु सर लेक, लुलु। और मैं यहाँ पे तकरीबन कोई चौथी दफा आई हूँ, फिर भी मुझे इसका नाम नहीं पता। हम आगे लुलु सर लेक, ये बंदी अच्छी नहीं है, मैंने इतना इसको एंजॉय करवाने की कोशिश की, हैंड फ्री लगा के बैठी है, मेरी खूबसूरत आवाज में गाने नहीं सुन रही, छोड़ो यार बस यार। देखें ये हाल है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। यार घोड़े पे बैठे, चलो आए हाय, ये क्या इतना बुरा, ओ ये तो आप हो, मैं देखने लगी कि तुमने क्या देख लिया। यार 14 अगस्त गुजरी है लेकिन अभी भी ये जो बाजे है ना ये बाजियां दे रहे हैं, ये ना इसलिए तुम्हारा बाजा बन जाए पीछे ना जाओ यार। हाँ, हाँ, यार देखो मैं आप लोगों के चक्कर में ये ना यहाँ बहती जाऊँ फिर तो कभी व्लॉग ही नहीं आएगा, आपको पता नहीं बहती कॉपीराइट ना आ जाए। यार मैं एक बात करती हूँ, यूट्यूब आई डोंट लाइक यू पहले 100 दे फिर 50 काटी, गरीब कभी दिया भी है कुछ बहन को 25 दूंगी, 50 काटूंगी,
पच्चीस कैसे पचास कैसे कट सकते हैं यार? पच्चीस बिल्ली ये क्या है? तेरा मुंह है यार। एक तो कहीं नेट नहीं चल रहा, मैं कैसे वीडियोस वगैरह बनाऊं यार, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मैं कुछ भी नहीं बना रही, मैं सिर्फ व्लॉग बनाऊंगी, मैं सिर्फ आई एम ओनली यूट्यूबर यू नो। ये जो इधर एक गधा रखा है पालतू लुलू सरवाल, उसकी आवाज थी उस गधे का नाम, समझ तो आप गए होगे। बाय द वे मैंने इसकी सब तैयार होके आए, सिर्फ जरा फातिमा ऐसे आई है, लैबा ने भी लिपस्टिक लगाई है, जरा फातिमा ने नहीं लगाई। यहाँ से सिर्फ यही देख सकते हैं आप, बाबू सर टॉप के बाद ये पहला चेक पॉइंट आया जहाँ पे उन लोगों ने हमें रोक दिया कि आप रुक जाएं, आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, अब 10 मिनट रुकेंगे फिर जाएंगे। और अब थक गए, अब दिल चाह रहा है बस पहुँच जाएं, और मेरा ख्याल सफ़र शुरू ही अब हुआ है। इतने कॉन्फिडेंस से हमने पूछा उमर भाई से कि हम कितनी देर में स्कर्दू पहुँच जाएंगे, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, बहुत प्यार से कहा कि ज़्यादा नहीं, अगर कोई रुकावट नहीं होगी तो सिर्फ 8 घंटे और क्या बस। और मैं अभी भी सोच रही थी कि 4 से 5 घंटे, मैंने लाइबा को बोला, मैंने कहा लाइबा 5 घंटे होंगे हम गुजार लेंगे, सो लेंगे और ये कर लेंगे, 8 घंटे में हमारा गाने भी नहीं चल रहे। गाला गाला शैतान का साला, गाला गाला गाला, पता नहीं हम कहाँ कहाँ कितनी दफा रुकेंगे यार, थके बहुत जाते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे लोग हैं यार। इन्होंने मुकाबला लगाया कि कौन ज्यादा देर ठंडे पानी में पांव रख सकते हैं, हम चारों में से 1 2 3 गो, दूर से बेर लग रहे थे, फिर पास आके खुबानी लग रही, अब कुछ और ही लग रहा है। बहरहाल जो भी यही लेने के लिए रुके हैं, दिल चाह रहा है यार, यही काम पानी अंदर से फेंकना कैसे ये नहीं समझ मेरे हाथ से नार खोल दिया। तो ऊपर पानी मार दो एक दफा और। तोड़ के दिखाओ हाथ से तुम मुझे, पहले तो मैंने देखा नहीं था ना, मेरे सामने टूटेगा तो मानूंगी। अहमद तुम तो फ्रूट अपने हाथ से काटते हो, लीमू तुम, अनार तुम, मीठे है ज्यादा मेरा। हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे और हम अब टाइम 9 बज रहे हैं और हम 9 बजे पहुंचे हैं और हम बाय रोड आए हैं और इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए और कुछ नहीं खाया। सुबह नाश्ता किया था जाते पीछे क्लिप में देखा है मून रेस्टोरेंट से, उसके बाद अब हम खाना खाना बैठे हैं, जहाँ से हमने खाना खाया था खाना बिल्कुल भी हमारे जायके के मुताबिक नहीं था, इसलिए हमसे नहीं खाया गया। अभी हमने इतनी मुश्किल से नूडल्स ढूंढे, अब हम जिस होटल में रुके हम यहाँ पर नूडल्स बना के नूडल्स खाएंगे और नूडल्स पे ही ज़िंदा रहेंगे। ये इन जगहों पे मैं जब भी आती हूँ ना, मैं हमेशा भूखी रहती हूँ, हमेशा। इतनी ख्वारी करने के बाद हम आ गए और अब इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए कि कुछ भी करने की, बोलने की, देखने की, खाने की हिम्मत नहीं है। नूडल्स खाएँगे हम बना के, क्योंकि हमें भूख लगी, और फिर फटाफट से सोएंगे बस। गुड मॉर्निंग, रात इतना थक गए थे कि खाना खाया ही नहीं गया और अभी अभी उठे हैं। आई होप सो ये ब्लॉग में ही एंड करी हूँ, आई होप सो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी तो तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही है, मेरे यहाँ पे भी ददरी टाइप कुछ बनता होता है वो बन रहा है, सर मेरा इतना दुख रहा है, जुकाम, गला ख़राब, सब कुछ हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और तब तक जो बाकी ब्लॉग हैं वो सब देख लें, फिर नेक्स्ट भी अपलोड कर लूँगी। बाय और गेट वेल सून जनाब। ओके द बाय।